किसान भाइयों वेलकम। आज की इस वीडियो पर हम बात करने वाले हैं सिजेंटा कंपनी की क्वांटिस प्लांट ग्रोथ प्रमोटर। क्वांटिस एक अमीनो एसिड और पोषक तत्वों से भरपूर एक प्रोडक्ट है। तो जो सिजेंटा कंपनी की क्वांटिस आता है इसमें क्या कंटेंट है, इसका डोज क्या है, इसका प्राइस क्या है, साथ ही यदि हम इसका स्प्रे कर रहे हैं तो कौन सी दवाइयों के साथ आप मिक्स करके इसका स्प्रे कर सकते हैं और कौन कौन सी फसलों पर सबसे अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे और इसके क्या फ़ायदे हैं और क्वांटिस क्या है, इस सभी की जानकारी के लिए, प्राइस के लिए, संपूर्ण रिव्यू के लिए इस वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक देखें। आप देख रहे हैं एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त शिव कुमार। कृषि कार से जुड़ी जानकारी के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सिजेंटा कंपनी का क्वांटिस जो आता है एक अमीनो एसिड और पोषक तत्वों से भरपूर है। तो क्वांटिस में क्या क्या कंटेंट है उसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए, माइक्रो न्यूट्रिएंट भी है और यह एक प्लांट ग्रोथ प्रमोटर है, यानी हमारी फसल की हाइट को बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा सहायक है। तो कंटेंट के बारे में बात करते हैं। इसमें ऑर्गेनिक कार्बन है 15 से 20%, अमीनो एसिड की इसमें मात्रा है 2 से 3% और साथ ही ऑर्गेनिक नाइट्रोजन की मात्रा है 0.7% और साथ ही फॉस्फोरस की मात्रा है 0.5% और पोटेशियम की इसमें मात्रा है 6.5% और कैल्शियम की भी इसमें मात्रा है 1% और साथ ही अन्य माइक्रो न्यूट्रिएंट का एक कॉम्बिनेशन है। तो इसको आप, यानी सिजेंटा कंपनी की क्वांटिस प्लांट ग्रोथ प्रमोटर को आप आम, अनार, अंगूर, कपास, मिर्च, टमाटर, गन्ना, मक्का, धान, प्याज के अलावा आप गिलकी, करेला, सेब की खेती कर रहे हैं तो सेब की फसल पर, पपीता पर, इसके अलावा भिंडी पर और लगभग सभी प्रकार की सब्जियों पर, रबी खरीफ की फसलों पर आप क्वांटिस का स्प्रे कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात हमको ये लगी कि यह एक अमीनो एसिड से भरपूर है। तो अमीनो एसिड फूल की संख्या को तो बढ़ाएगा ही, साथ ही इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट है जो हमारी फसलों को स्प्रे के माध्यम से यदि आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो और भी अच्छे आपको रिजल्ट प्राप्त होंगे। इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट है तो फसल को हरी भरी भी करता है और ज़्यादा से ज़्यादा ताकत प्रदान करता है। तो एक प्रकार का खाद का भी काम करता है, यानी माइक्रो न्यूट्रिएंट की भी पूर्ति करता है और साथ ही यह एक प्लांट ग्रोथ प्रमोटर का भी काम करता है। तो लगभग सभी प्रकार की क्रॉप पर आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। बात करते हैं इसके डोज के बारे में। तो आपको प्रति एकड़ 400 ml 150 लीटर पानी के साथ मिक्स करके स्प्रे करेंगे शाम टाइम, तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। यानी 15 लीटर पानी में आप 40 से 50 ml तक स्प्रे कर सकते हैं 15 लीटर पानी पर। अब बात आती है हम इसको कब स्प्रे करें। तो फ्लावरिंग से पहले भी यदि आप स्प्रे करेंगे, यानी जब फ्लावरिंग स्टेज पर आपकी क्रॉप होती है तब स्प्रे कर सकते हैं। फ्लावरिंग स्टेज के 10 से 20 दिन पहले भी आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। वनस्पतिक स्टेज पर आप क्वांटिस का स्प्रे कर सकते हैं, फ्लावरिंग स्टेज पर भी आप इसका स्प्रे कर सकते हैं, बहुत बेहतरीन रिजल्ट प्राप्त होंगे। यानी फूल की अवस्था पर भी स्प्रे कर सकते हैं, फूल से आने से पहले भी आप स्प्रे कर सकते हैं। बात करते हैं इसके फायदे के बारे में। फसल को यह हरी भरी करता है, साथ ही ग्रोथ बढ़वार को यह बढ़ाता है और वनस्पतिक वृद्धि करता है। ध्यान रखना है यह एक प्लांट ग्रोथ प्रमोटर है, यानी बायो स्टिमुलेंट है, यानी यह ग्रोथ को बढ़ाता है, यानी हाइट को बढ़ाता है, ना कि रेगुलेट करता है। यह हाइट को वृद्धि करता है, बढ़ाता है। इसके साथ ही फसल को यह मजबूती प्रदान करता है और नए नए फुटाव, यानी नए नए कलों की संख्या, न्यू ब्रांचेस को बढ़ाने में, नई नई टहनियाँ को बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा सहायता प्रदान करता है और फूलों की संख्या को यह बढ़ाता है क्योंकि इसमें अमीनो एसिड की मात्रा है। क्लोरोफिल को बढ़ाता है, यानी फसल को काफ़ी ज़्यादा ग्रीननेस, काफ़ी ज़्यादा ग्रीन डार्क फसल को बनाती है। इसके अलावा रोगों से लड़ने की ताकत प्रदान करता है और पौधों को तंदुरुस्ती प्रदान करता है। क्वांटिस एक वायो स्टिमुलेंट है जिसमें कार्बनिक कार्बन, अमीनो एसिड और पोटेशियम की इसमें मात्रा है। इसके प्राइस के बारे में जानते हैं। एक लीटर का प्राइस मार्केट में 600 से 700 रुपए के आसपास एक लीटर का पैक उपलब्ध हो जाता है। यानी कुल मिला के देखा जाए तो प्रति एकड़ का खर्च 300 रुपए के
आसपास हमको प्रति एकड़ का खर्च पड़ता है। और इसको आप एनपीके के साथ, फंगिसाइड के साथ, कीटनाशक के साथ भी मिक्स करके स्प्रे कर सकते हैं। यदि हाई टेम्परेचर की स्थिति है, यानी मौसम बहुत ज़्यादा गर्म है, तो इसको आप पहले सिंचाई करें और इसको आप शाम टाइम स्प्रे कर सकते हैं। लगभग सभी प्रकार की क्रॉप पर वेजिटेटिव ग्रोथ बहुत अच्छी वृद्धि होती है, और यदि फ्लावरिंग स्टेज पर या फ्लावरिंग स्टेज से पहले भी स्प्रे करेंगे तो बहुत ही अच्छे आपको रिजल्ट प्राप्त होंगे। तो आज की इस वीडियो पर हमने आपको सिजेंटा कंपनी की क्वांटिस प्लांट ग्रोथ प्रमोटर के बारे में बताया। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को आप ज़रूर लाइक करें। धन्यवाद।